इस प्रश्न में भी हमें शून्य ज्ञात करने और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है उनके गुणांकों के बीच में। पांचवा टी स्क्वायर माइनस का दे रखा है आपको 15, हल लिखेंगे, लिखोगे दिया गया बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए टी स्क्वायर माइनस का 15 उस तरफ गया तो प्लस का 15, टी बराबर रूट लग जाएगा स्क्वायर उस तरफ गया 15 और 12 आ जाएंगे प्लस माइनस, टी बराबर दो मान आएंगे एक प्लस रूट 15 और एक आ जाएगा आपके पास में टी बराबर माइनस रूट 15। यहाँ पे अल्फा एक मान प्लस रूट 15 ले लो और बीटा मान ले लो आप माइनस का रूट 15, दोनों मान आ गए। अब देखिए इसके अंदर हम शून्य निकाले ए बी सी के मान भी लिख लेते हैं। व्यापक रूप ए एक्स की जगह में टी लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें सभी जगह टी आया, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर से तुलना करने पर देखिए यहाँ पे तुलना कर रहे हैं टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर ए की जगह कुछ नहीं आया यानी कि ए बराबर कितना हुआ 1। टी की जगह टी वाला पद है क्या इसमें, नहीं है ना, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 0। सी की जगह कितना आ रहा माइनस का 15, सी बराबर माइनस 15 कंप्लीट। देखिए अब हम करेंगे सत्यता की जांच, यहाँ लिखोगे आप जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटावा ए या फिर का चिन्ह अल्फा का मान कितना है रूट 15 हमने लिखा यहाँ पे रूट 15 प्लस का चिन्ह प्लस बीटा का मान है आपके पास में माइनस रूट 15 बराबर बी का मान कितना है माइनस बी का मान है आपके पास में 0 और ए का मान है 1। देखिए रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 15 एक का भाग 0 में गया 0 रूट 15 में सिर्फ 15 गया 0 बराबर 0। नेक्स्ट लिखेंगे आप यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटावा ए, अल्फा का मान है रूट 15 गुणा बीटा का मान है माइनस रूट 15 कोष्टक सी का मान है आपके पास में माइनस का 15 ये दे रखा है और ए का मान है आपके पास में 1। देखिएगा यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएंगे रूट 15 का गुणा रूट 15 से रूट 15 और गुणे में आ जाएगा गुणा 15 बाहर की तरफ लगेगा माइनस बराबर एक का भाग 15 में दिया माइनस 15 माइनस जोड़ी बनाओ 15 बाहर आया माइनस 15 क्या लिखोगे आप सत्यता की जांच हुई, क्या लिखोगे सत्यता की जांच हुई कंप्लीट। धन्यवाद।